उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो पोल्यूशन है वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रेग्नेंट औरतें, वो जिनको ऑलरेडी कोई रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं, ऐसे लोग इस समय बहुत एट रिस्क हैं फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स। प्रेग्नेंट औरतों में सिर्फ एक जान नहीं है, दो जान है, दो जानों को खतरा है। इस समय चांसेस बढ़ जाते हैं कि मिसकैरेजेस हों, बच्चे पेट के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। स्पेशली प्रेग्नेंट औरतों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनके खाने की प्लेट में एटलीस्ट 5 कलर्स होने चाहिए। दीपावली के बाद से ही दिल्ली एनसीआर का जो प्रदूषण है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। AQI की बात की जाए तो 250 से ऊपर जो AQI है वो लगातार देखने को मिल रहा है। उससे ज़्यादा भी, मतलब अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर के शहरों में जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली में, तो वहाँ पे AQI जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आज हमारे साथ जो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मीरा पाठक, जो महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं से ज़्यादा परेशानी उनको हो रही है उनके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनको किन बातों का इस दौरान ध्यान रखना है और वो कैसे अपने बच्चे को एक हेल्दी जो है वो जीवन दे सकती हैं। तो सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में और हमारे स्टूडियो में। जैसे कि आप जानती होंगी कि दिल्ली एनसीआर में जो AQI है वो बहुत ज़्यादा बेहद ख़राब श्रेणी में अभी दर्ज हो रहा है। तो आपके पास वो कई जो महिलाएं हैं वो पोल्यूशन के वजह से जो जैसे सांस से संबंधित जो बीमारी होती है उसके लिए पहुंच रही होंगी। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो पोल्यूशन है वो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है और किन किन बीमारियों का जो है सामना कर रही है महिलाएं। बिल्कुल ज्योति, अगर देखा जाए इस समय जो AQI चल रहा है नोएडा का, और प्रेजेंटली आज का AQI 271 है। 271 का AQI वेरी अनहेल्दी कैटेगरी में आता है। बल्कि पिछले कुछ दिनों का अगर AQI निकाल के देखा जाए तो वो तो हजार्डस कैटेगरी में चला गया था, 300 से ऊपर भी चला गया था। अब एयर पोल्यूशन का जो इफेक्ट आता है वो उस हवा में प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स की वजह से आता है। जो केमिकल्स हवा में होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ओजोन, इन सब की वजह से क्या होता है कि एक तो इन केमिकल्स का डायरेक्ट इफेक्ट होता है बॉडी पे, और दूसरा जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि वो एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करता है, हॉर्मोन्स को अफेक्ट करता है। तो पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, टॉक्सिक होते हैं सेल्स के लिए। और सेकेंड जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि हॉर्मोन्स को वो डिसबैलेंस कर देते हैं बॉडी का। तो ना केवल मतलब हेल्दी एज ग्रुप्स बट सारे सेंसिटिव एज ग्रुप्स, जैसे कि एज ऑफ मोर देन 60 ईयर्स, एज लेस देन 5 ईयर्स, प्रेग्नेंट औरतें, वो जिनको ऑलरेडी कोई रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से पहले से सफ़र कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी एलर्जीज़ हैं, अस्थमा है, ऐसे लोग इस समय बहुत एट रिस्क हैं फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ डिजीज़। जैसे कि आपने बताया कि आपके पास मतलब ये सब प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही है महिलाओं को, लेकिन जैसे आप एज अ डॉक्टर, अगर आपके पास कितनी महिलाएं रोज़ जो है कुछ बीमारियां जो हैं जो लेकर वो पहुंच रही हैं जो कि AQI से अफेक्टेड हैं? देखो, इस समय जो बीमारियां बहुत कॉमनली चल रही हैं, स्पेशली अक्टूबर नवंबर जब शुरू होता है, इस टाइम पे क्योंकि विंड का मूवमेंट इस तरह से होता है, एक पॉल्यूशन का लेवल वैसे ही हाई हो जाता है, AQI का लेवल हाई होने लग जाता है। इस टाइम पे हमारे पास जो OPD में पेशेंट्स आते हैं वो जनरली जो नॉर्मल अडल्ट पॉपुलेशन है वो सफ़र कर रहा होता है फ्रॉम मेंटल प्रॉब्लम्स। मेंटल प्रॉब्लम्स होता है जैसे जनरली लोगों को ब्रेन फॉग होने लग जाता है। जिनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी है उनकी डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ जाती है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, गुस्सा आना बढ़ जाता है, फटीग फील करने लग जाते हैं लोग, आंखों में जो दिक्कत बढ़ जाती है, और इस टाइम पे बड़ा खासकर हम देखने लगते हैं कंजंक्टिवाइटिस बढ़ जाती है, आंखें लाल होने लग जाएंगी, इरिटेशन हो रही है, बर्निंग फील हो रहा है, आंखों से पानी टपक रहा है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स होता है उनकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है, पॉल्यूटेंट्स की वजह से स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो जब इम्यूनिटी लो हो जाती है बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। वही वायरल इन्फेक्शंस जो पहले बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे, कम डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स से ठीक हो जाते थे, अब उनको लॉन्गर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स चाहिए। अब वो ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं बट खांसी परसिस्ट करे जा रही है, 15 दिन हो गए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक एलर्जिक फैक्टर भी अफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो लोगों को दिक्कत आती है, जिनको ऑलरेडी हार्ट डिजीजेस हैं, अस्थमा है, वो सब अपने डोजेजेस बढ़ाने के लिए आते हैं, ड्रग्स के डोजेस बढ़ाने आते हैं। प्रेग्नेंट औरतों को इस टाइम पे अलग तरह से दिक्कतें होने लग जाती हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट औरतों में सिर्फ एक जान नहीं है, दो जान है, दो जानों को खतरा है इस समय। तो जो हवा प्रेग्नेंट औरतें लेती हैं जो लंग्स में जाता है वो ब्लड के अंदर पॉल्यूटेंट्स जाते हैं, केमिकल्स जाते हैं, और वो सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स उस ब्लड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को अफेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ऐसे सांस के थ्रू आप मतलब पेट में जा रहे बच्चे के पास जा रहे हैं, तो ये जो पोल्यूशन जो है जब वो बच्चे के मतलब अंदर जाएगा तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है ये? देखिए, एयर पोल्यूशन तो बहुत बहुत हजार्डस होता है ग्रोइंग फीटस के लिए, और जो इफेक्ट होता है एयर पोल्यूशन का, वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक तो कब से एक्सपोजर हो रहा है, अगर लॉन्ग टाइम से एक्सपोजर हो रहा है उतना ही नेगेटिव इफेक्ट्स होता है इस एयर पोल्यूशन का। सेकंड, वो जो डिपेंड करता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सा ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है, जिसे बाकायदा कहते हैं फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट टू 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि बच्चों में कंजेंटल मेलफॉर्मेशंस बढ़ जाते हैं। इस टाइम पे हमारे पास क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस, इन सब के बच्चे ज़्यादा आने लग जाते हैं। सेकेंड, मिसकैरेजेस बढ़ जाते हैं, स्टिल बर्थ्स बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी है जैसे 4th, 5th, 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, इस टाइम पे जो हम देख रहे हैं बच्चों का ग्रोथ कम होने लग जाता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होने लग जाती है, अगेन कुछ स्टिल बर्थ्स होने लग जाते हैं। और जब लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी होती है जैसे 7th, 8th और 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और ये AQI का टाइम जो चल रहा है, हमारे पास फीटल डिस्ट्रेस के केसेस बढ़ जाते हैं। मतलब हमारे केसेस मिकोनियन स्टेन लाइकर जो होता है कि जो एक साइन होता है बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर दी है बिकॉज वहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस है, वो सब केसेस हमारे बढ़ने लग जाते हैं। प्री टर्म लेबर बढ़ जाता है, बच्चे जो पैदा होते हैं उनका वजन कम होता है, लो बर्थ वेट बच्चे होते हैं। तो और साथ ही साथ क्या होता है कि हर टाइम पे प्रेगनेंसी में बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, उसका फिजिकल ग्रोथ है, उसका मेंटल ग्रोथ है, उसका फिजिकल ग्रोथ इम्पेयर होता है, वजन कम हो जाता है, बट साथ ही साथ मेंटल इफेक्ट भी होता है, ब्रेन के डेवलपमेंट पे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है। और जब ये बच्चे पैदा होते हैं ऑलरेडी लो बर्थ वेट हैं, ऑलरेडी ऐसे एयर से एक्सपोज्ड हैं जिसमें पॉल्यूशन है, ये बच्चे लो इम्यूनिटी के हैं, बड़ी जल्दी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कैच करने लग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, जस्ट कुछ ही दिन ओल्ड, फ्यू डेज ओल्ड, उन सबको रेस्पिरेटरी बीमारियां होने लग जाती हैं, नाक में से पानी आ रहा है, वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो इस टाइम पे हमारे हेल्थ डिजीजेस का लोड जिसे कहते हैं वो बढ़ जाता है। ड्यूरिंग डिलीवरी जो डिलीवरी होती है उस टाइम पे सारा सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है। तो आप बहुत सारे सिजेरियन भी करते हैं, तो उस टाइम पे भी अगर आप एयर क्वालिटी का आपको ध्यान रखना पड़ता है, या बच्चा अगर जब हो रहा है तो वो तो उस तरीके से आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है, उस टाइम पे आप किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करते हो? नहीं, हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। हम लोग पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं कि अब ये जो पीरियड आ रहा है, AQI हाई हो रहा है, 200 से ऊपर जा रहा है, अब हमारे केसेस का लोड बढ़ेगा, अब हमारे पास ऐसे बच्चे आएंगे जिनको फीटल डिस्ट्रेस है, जिनको रिसर्सिटेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। हम हॉस्पिटल्स में केयर करते हैं कि इंडोर रहे, मतलब आउटडोर एयर ना आए, इंडोर विंडोज़ क्लोज रहें, एयर प्योरीफायर्स का यूज़ हो, ह्यूमिडिफायर्स का यूज़ हो, ताकि इस तरह से प्रेग्नेंट वुमन को थोड़ा सा हम कंफर्टेबल बना सकें, जो एयर वो ब्रीथ कर रहे हैं वो कंफर्टेबल हो सके। साथ में हमें ऑक्सीजन की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस टाइम। जैसे कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ वीडियोस देख रही होंगी, तो उनको जैसे वो घर पे हैं और बच्चे का उन्हें ध्यान रखना है, तो किन किन बातों को उनको ध्यान रखना है कि किस तरीके से वो अपने आप को रखें कि बच्चा जो है उसको असर ना पड़े AQI का, साथ ही वो खाने में क्या खाएं और किस तरीके से अपने आप को सेफ रख सकती हैं? जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम गूगल करते हैं, इवन न्यूज़पेपर्स में भी आता है, रोज़ का AQI आता है। अगर गूगल भी हम चेक करते हैं तो जहाँ हम रहते हैं उस जगह के बगल के अंदर एक डॉट होता है AQI के नाम, उस डॉट का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो डॉट येलो है इसका मतलब है कि द एयर इज़ क्लीन, अगर वो डॉट ग्रीन है दैट ऑल्सो मीन्स द एयर इज़ क्लीन, इट इज़ हेल्दी। अगर वो डॉट ऑरेंज हो जाती है इसका मतलब है कि AQI की जो लेवल्स हैं वो 100 टू 150 पहुंच गए हैं। अब सेंसिटिव जो ग्रुप्स हैं, सेंसिटिव ग्रुप्स माने कि जिनके एज 60 से ज़्यादा है, जिन बच्चों का एज 5 साल से कम है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो जो ऑलरेडी जिनको डिजीज़ हैं, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हैं, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, या हार्ट डिजीज़ हैं, ऐसे सेंसिटिव ग्रुप्स को जब वो AQI का डॉट ऑरेंज हो गया है, 100 टू 150 का AQI इंडेक्स पहुंच गया है, उनको अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ लिमिट कर देनी चाहिए। अगर वो बाहर जा रहे हैं मास्क लगा के जाएँ, मास्क में भी सर्जिकल मास्क बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, N95 यूज़ करें कि N99 यूज़ करें, फिल्टर वाले वॉल्स हों जिनमें, ऐसे मास्क का प्रयोग करें, वो ऐसा केयर करने लग जाए। जब वही डॉट ऑरेंज से रेड हो जाता है इसका मतलब है कि अब AQI इंडेक्स हमारा 150 टू 200 हो गया है। जब रेड डॉट हो गया है दैट इज़ एन अनहेल्दी हेयर, तो उसके अंदर इनको क्या करना चाहिए कि जो सेंसिटिव ग्रुप्स हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, उनको बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बल्कि अब हेल्दी पॉपुलेशन को भी केयर करना शुरू कर देना चाहिए। हम लोगों को भी लिमिट करना चाहिए अब आउटडोर एक्टिविटीज़, हम लोगों को मास्क यूज़ करना शुरू करना चाहिए। अब वही इंडेक्स अगर रेड से पर्पल हो गया है दैट मीन्स कि अब हम वेरी अनहेल्दी एयर में पहुँच गए हैं। अब ये इंडेक्स 200 टू 250 पहुँच गया है। तो अगेन बच्चों को तो बिल्कुल घर से बाहर ना जाने दें, आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद कर दें, जितना हो सके अंदर रहने, रहे, मतलब इंडोर्स रहें। इंडोर्स जब रहें विंडोज क्लोज रखें, डोर्स क्लोज रखें और घर के अंदर वातावरण ऐसा बनाएं कि घर का एयर प्योर हो। तो वातावरण ऐसे बनाया जा सकता है कि प्योरीफायर्स यूज़ करिए घर में, ह्यूमिडिफायर्स यूज़ करिए घर में। अगर आप प्योरीफायर्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, इंडोर प्लांट्स हैं जैसे बॉटल पाम है, स्पाइडर प्लांट है, अपना मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, इन सबको घर में लगाएं ताकि घर की वातावरण को शुद्ध कर सके, एयर को शुद्ध कर सके। इसके अलावा जो एक और चीज़ हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने अपने परिवार के लोगों की इम्यूनिटी को हाई रखें। न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। वो सिर्फ सेल्स को प्रोटेक्ट नहीं करती, काफ़ी हद तक वो डैमेज को रिवर्स भी कर सकती हैं। तो ऐसे फूड्स हैं जैसे कहते हैं हेल्थ फूड्स, मतलब सुपर फूड्स हैं, जैसे टर्मरिक है, हल्दी का दूध, जैगरी है, जैगरी छोटे अमाउंट में, कम अमाउंट में, गार्लिक है, इन सब का उपयोग करना शुरू करें। वॉलनट्स हैं, ये प्रोटेक्टिव हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, टमाटोज़ हैं। इसके अलावा जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने की प्लेट में, स्पेशली प्रेग्नेंट औरतों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनके खाने की प्लेट में एटलीस्ट 5 कलर्स होने चाहिए। 5 कलर्स जैसे कि ग्रीन, ग्रीन से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो जैसे कि नींबू, लेमन है एंड टर्मरिक है वो येलो है, ऑरेंज जैसे कि पपाया है, ऑरेंजेस हैं, रेड जैसे टमाटोज हैं, और उसके बाद वाइट जैसे मिल्क है, पनीर है, कर्ड है। तो एटलीस्ट 5 डिफरेंट कलर्स की फूड आइटम्स फूड प्लेट में हमेशा होने चाहिए। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो स्मोकर्स हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि दे शुड क्विट स्मोकिंग, क्योंकि ये तो कंपाउंड करेगा बैड इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन को। ऑलरेडी एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसके बाद आप स्मोक करेंगे तो वो ज़्यादा हैज़ार्डस होगा। इसके साथ एक और सवाल मेरा होगा कि जैसे आजकल जो यंग जनरेशन है, शादी के बाद उनको कॉम्प्लिकेशंस हो रही है बेबी पैदा करने में, तो क्या ये एक रीज़न हो सकता है उसका? और दूसरा कि और कौन से रीज़न्स है जिसकी वजह से अभी उनको कॉम्प्लिकेशंस आ रही है? बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि बेबी में दिक्कत हो रही है, एक एज ग्रुप आ गया उसके बाद से दिक्कतें हो रही हैं। तो वैसे आपके पास कितने केसेस आते हैं और कैसे आप उसको डील करते हो? जी बिल्कुल ज्योति, इस समय क्या होता है कि थोड़ा सा इनफर्टिलिटी केसेस आर ऑन द राइज। इनफर्टिलिटी केसेस के राइज में होने का जो कॉजेज़ हैं वो नंबर 1 तो स्ट्रेस है। लाइफस्टाइल में स्ट्रेस इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से स्ट्रेस, एक्चुअली रिसर्च ने प्रूव किया है कि क्या होता है कि जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स हाई होते हैं, और जब स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स हाई होते हैं एक हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है जिसकी वजह से फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। इसके अलावा फूड में जो अडल्ट्रेशन है उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। और जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट तो करते ही हैं सेल्स को, मतलब वो इतने साइटोटॉक्सिक होते हैं कि कई बार तो कैंसर्स कॉज कर देते हैं। बट इसके अलावा जो एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स होते हैं पॉल्यूशन में, वो एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स हार्मोनल बैलेंस को ख़राब कर देते हैं। जहाँ पे हार्मोनल बैलेंस ख़राब होने लगता है वहीं फर्टिलिटी इफेक्ट होने लग जाती है। तो ये सब रीजंस हैं कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आजकल ऑन द राइज है एक तरह से। बट अगर देखा जाए तो फिर बाद में बहुत सारे कॉजेज़ भी हैं इसके विच आर ऑन द राइज। AQI से भी इसका कुछ वो है, मतलब अगर पोल्यूशन ज़्यादा है और जो चीज़ें दिक्कत हो रही है, ब्रीथिंग सिस्टम से दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल AQI से डायरेक्ट इफेक्ट है। एंड सिर्फ फीमेल फर्टिलिटी का नहीं है, मेल फर्टिलिटी भी अफेक्ट होती है इससे। मेल फर्टिलिटी में मेल स्पर्म काउंट अफेक्ट होता है, मेल हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं इससे। एंड एक तरह से जो कहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो चुका है कि वही चीज़ें कंपाउंड हो जाती हैं, वही एयर पॉल्यूशन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से की वजह से हमारे वो इफ़ेक्ट्स कंपाउंड हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी ऑन द राइज हो जाती है। जैसे कि डिलीवरी होगी उसके बाद बच्चा छोटा सा आपके गोद में है, तो उसमें उसको कैसे, माँ उसका कैसे ध्यान रखें? बहुत ज़रूरी है कि मदर न्यूबॉर्न बेबी को स्पेशली इस टाइम पे ब्रेस्ट फीड ज़रूर करें। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत प्रोटेक्टिव होता है, उससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। सेकंड ये है कि हाँ, बच्चे का जो एरिया है जिसमें वो रहता है उसको कॉर्डन ऑफ करें, उसको बंद रखें, उसमें विंडोज़ और डोर्स बंद रखें, प्योरीफायर्स यूज़ करें, ह्यूमिडिफायर्स यूज़ करें, इंडोर एयर प्योरीफायर प्लांट्स को लगाएँ ताकि वो बच्चे को वो एनवायरनमेंट मिले जिसमें वो आराम से सांस ले सके, जो रेस्पायर कर रहा है उस एयर में कम पॉल्यूटेंट्स हों। जैसे आपने बताया तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत दिक्कत है, बच्चे के लिए बहुत दिक्कत है और बुज़ुर्गों को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो जो लड़कियां हैं जो आजकल जो पीरियड्स के दौरान अगर वो ऐसी हवा में सांस ले रही हैं तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? देखिए, जो एयर पोल्यूशन वाली एयर है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब है उस टाइम पर पॉल्यूटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, वो इनहेल हो रहे हैं, वो लंग्स में जा रहे हैं, लंग्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाके सेल्स अफेक्ट हो रहे हैं, ग्लैंड्स अफेक्ट हो रहे हैं, हार्मोन्स अफेक्ट हो रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है इस टाइम पे। इन सब रीजंस की वजह से जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लड़कियां हैं, उनको महिलाएं, उनको दिक्कत होने लग जाती है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की। तो ये कॉमन है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ इस टाइम पे होता है। इसके अलावा क्या होता है, मूड स्विंग्स, मूड चेंजेस, ज़्यादा इरिटेबिलिटी, बैड टेम्पर, ये सब भी कॉमन होने लग जाता है, ब्रेन फॉग। बट जो ये मेंटल चेंजेस हैं ये तो मेल और फीमेल दोनों में एक साथ होते हैं। जैसे कि आप ऐसे महिलाओं से या इस प्रॉब्लम को लेकर, इसमें जो बीमारियां आपके आसपास रहती हैं, आप हमेशा चेकअप करते हैं तो आपको ये बीमारियां दिखने को मिल रही हैं, तो एक जो भी पर्टिकुलर जो भी यहाँ पर रह रहे हैं, जो निवासी रह रहे हैं, उनको पर्सनल लेवल पे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जो AQI लेवल जो है वो मतलब नॉर्मल रहे और हमारे लिए अच्छा रहे? बिल्कुल ज्योति, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम एक पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं। सबसे पहले है जस्ट बी अवेयर, एक अवेयरनेस हमेशा रोज़ रहनी चाहिए कि आज मेरा AQI लेवल क्या है। उसके बाद अपने पर्सनल मेजर्स हम लें ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी फैमिली को उस हिसाब से प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा जो ज़रूरी है वो ये है कि इस टाइम पे व्हीकुलर इमिशंस कम हों। अगर आपको कहीं जाना है और आप कार पूलिंग कर सकते हैं, नथिंग बेटर देन दैट। अगर पास की जगह जाना है, वॉक करें, साइकिल करें, बट अवॉइड द यूज़ ऑफ कार्स। हम अगर अपने पर्सनल लेवल पे अवेयरनेस रखेंगे, अपने पर्सनल लेवल पे चेंज लाएंगे तो वातावरण में भी चेंज आएगा। सेकेंड है कि जहाँ लगता है कि डस्ट है आसपास, कहीं कंस्ट्रक्शन की एरिया एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वहाँ पानी का छिड़काव करें। तीसरा है प्लीज़ गार्बेज को आग ना लगाएं। ये बहुत कॉमन है कि सोसाइटीज़ में गार्बेज की हीप्स पड़े हैं, डंप्स पड़े हैं, AQI बहुत ख़राब है और लोग उन डंप्स को भी आग लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें करना बंद करें, गार्बेज डंप्स को आग लगाना बंद करें। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्विट स्मोकिंग, अडॉप्ट अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, डाइट अपनी इम्प्रूव करें, इम्यूनिटी अपनी इम्प्रूव करें, अपने फैमिली का ध्यान रखें इस टाइम पर। मैम जैसे कोई भी प्रेगनेंट लेडी है, जो भी आम इंसान है, उसको कैसे पता चलेगा कि वो AQI जो बढ़ गया उससे अफेक्टेड है? कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं लोगों? बिल्कुल सही सवाल तुमने पूछा ज्योति। अब मैं तुम्हें मतलब वो सिम्टम्स बताती हूँ जिनके साथ जनरली पेशेंट्स हमारे पास OPD में आते हैं। इस टाइम पे ज़्यादातर जैसे जब स्मॉग का माहौल है, स्मोक और फॉग मिक्स्ड है, बाहर विजिबिलिटी लो है, इस टाइम पे जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जनरली उनकी जो कंप्लेंट्स आती हैं वो ये है कि आँखें लाल हो रही हैं, आँखों में ड्राइनेस आ गई है या आँखों से ज़्यादा पानी आ रहा है, इचिंग हो रही है। और सेकंड ये है कि भाई सांस ले रहे हैं पर ऐसा लग रहा है कि दम घुट रहा है, गले के अंदर से सांस नहीं पास हो रही, गले के अंदर इचिंग लग रही है। और स्पेसिफिकली जब वो ये देखते हैं कि वो एक एरिया में तो ठीक है बट जब दूसरे एरिया की तरफ जाते हैं तो दूसरे एरिया में पहुँचती खांसी शुरू हो रही है, होर्सनेस ऑफ वॉइस शुरू हो रहा है, नाक में से पानी आने लग रहा है। उसके अलावा अगर फील करेंगे तो एक उल्टी जैसा, नॉजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग बार बार आ रही है, चेस्ट के अंदर कंस्ट्रिक्शन फील हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, एपेटाइट नहीं है, वॉमिटिंग आ रही है स्पेसिफिकली। अगर ये सारे सिम्टम्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, स्पेसिफिकली इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो गए हैं, बच्चों के अंदर डिस्ट्रेस बढ़ जाता है, बच्चों की इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, बच्चे ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं एंड एक ब्रेन फॉग सा लगने लग जाता है, एक लिथार्जी, फटीग की फीलिंग आने लग जाती है कि अब सुस्त लग रहा है, बीमार बीमार सी फीलिंग आ रही है, एक जैसे हम कहते हैं ना हरारत हो रही है, हरारत वाली फीलिंग आने लग जाती है। इसके अलावा आप देख रहे हो कि आपको वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आप कैच कर रहे हो, आप घर के लोग बार बार कैच कर रहे हैं, इन्फेक्शंस कैच कर रहे हैं और वो इन्फेक्शंस लंबे टाइम तक चल रहे हैं। आप एंटीबायोटिक का कोर्स ले रहे हो बट एंटीबायोटिक का कोर्स आपको हेल्प नहीं कर रहा है। तो इससे आपको इससे पता चलेगा कि भाई ये सब जो इफेक्ट्स हैं वो कॉमनली बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू हजार्डस एयर है। तो आप अपना उस एक्सपोजर को कम करिए, फिर आप घर में रहिए, इंडोर रहिए, आप वो सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है। ये जो AQI है, इससे तो अब ये सिम्टम्स हो गए, तो इनसे, इस चीज़ से कौन कौन सी जो खतरनाक बीमारियां हैं वो मतलब कैच हो सकती हैं? देखिए, जो इफ़ेक्ट्स होते हैं एयर पोल्यूशन के, वो इफ़ेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो वो हैं जो थोड़ी देर के लिए रहे और चले गए। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं, हेल्थ इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसमें कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, बेंजीन कंपाउंड्स हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। स्पेसिफिकली जो हम बात करते हैं PM 2.5 की, पार्टिकुलेट मैटर की, ये सब रिसर्च में पाए गए हैं कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। इनसे कैंसर हो सकता है लंग का, लिवर का, ब्रेस्ट, ब्लैडर, इस तरह के कैंसर, स्किन कैंसर, ये सब बहुत कॉमनली बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू पोल्यूशन है। दूसरा जो इफेक्ट है कि डायबिटिक पेशेंट्स का शुगर लेवल्स चेंज होने लग जाते हैं, उनके अस्त व्यस्त होने लग जाते हैं शुगर लेवल्स इवन वाइल ऑन ड्रग्स। एंड कुछ लोगों के डायबिटीज़ जो प्री डायबिटिक होते हैं उनके डायबिटीज़ एक्सपोज होने लग जाती है, अकर कर जाती है। जो हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनको बहुत केयरफुल होना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। और जो सेंसिटिव ग्रुप्स हैं हमारे, जैसे जो ऑलरेडी जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनको ऑलरेडी इम्यून प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ है, ऑलरेडी लंग डिजीज़ है, प्रेग्नेंट हैं, जिनका एज ज़्यादा है 60 से, जिनका एज कम है 5 से, क्योंकि स्पेशली बच्चों पे भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। जो 5 इयर्स से कम है उनकी ब्रेन डेवलपमेंट इफेक्ट हो जाता है इससे। तो इनको हमें बचा के रखना चाहिए, इनका हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये तो हो गया एयर पोल्यूशन का। अगर हम बात करें तो यमुना जो नदी है उसके आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो ये जो वाटर पोल्यूशन है उसकी वजह से भी क्या दिक्कतें प्रेगनेंट वुमेन्स जो है उनको आ रही हैं? देखिए, वाटर पोल्यूशन के अंदर भी मोस्टली पॉल्यूटेंट्स का ही इफेक्ट है, और वही इफेक्ट है कि डायरेक्ट सेल्स के ऊपर इफेक्ट है, प्लस हार्मोन सिस्टम पे भी इफेक्ट है। तो प्रेग्नेंट औरतों की सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सेम टू सेम बढ़ जाते हैं। फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि मिसकैरेजेस हों, चांसेस बढ़ते हैं कि स्टिल बर्थ हो जाएं, कंजेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चे लो बर्थ वेट पैदा होते हैं या बच्चे पेट के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, इंट्रायूट्राइन डेथ्स हो जाती हैं, प्रीमेच्योर बच्चे पैदा होते हैं। ये सब इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन का, क्योंकि जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं से हम इनहेल कर रहे हैं या उनको हम इंजेस्ट कर रहे हैं, और वो पॉल्यूटेंट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं और हमारे हेल्थ सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। एक तो ये तो इफेक्ट प्रेग्नेंट औरतों पे है। इसके अलावा जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो उसमें हम देखते हैं कि किडनी स्टोन्स बढ़ गए हैं, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ बढ़ जाती हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस बढ़ जाता है, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, क्रोनिक बीमारियां बढ़ जाती हैं, लॉन्ग टर्म डिजीज़ेस वही सेम कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम। मैं आशा करती हूँ कि आपके जो वीडियो है और आपकी जो जानकारी देखकर जो नोएडा में जो लोग हैं वो उस चीज़ का ध्यान रखें, अपने बच्चे को हेल्दी रखें, खुद हेल्दी रहें और खुद को भी, मतलब जो आने वाले समय में जो पोल्यूशन जो है वो आगे बढ़ सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि समय आता है, जब सर्दियाँ आती है तो और ज़्यादा एक्यूआई लेवल बढ़ता है। तो आपके जो भी आपने जो भी सलाह उनको दी है वो उस सलाह को मानेंगे और हेल्दी रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपना जो भी आपके जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आज हमारे साथ डॉक्टर मीरा मौजूद थी, जिन्होंने जो भी लोग एक्यूआई से अफेक्टेड हैं उनको अपनी सलाह दी, और जो भी सलाह उनकी है मैं आशा करती हूँ आप उसको अपनाएंगे और हेल्दी जो जीवन है वो जिएंगे। मैं उत्तर प्रदेश टाइम्स से ज्योति कार्की, धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।